Hey guys, कैसे हो आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस हम लोग आज से 10th स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। और गाइस आज हम लोग का बेसिक क्लास है। आज से मैं 10th स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मेरा बेसिक क्लास है 10th का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर चैनल पर नए आए गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस, पूरा फैला दीजिए। 10th स्टार्ट कर दिया गाइस इसीलिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो गाइस देख सकते हैं आज का हमारा क्या चीज का चैप्टर है। तो आज का हमारा चैप्टर है टेंस। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज टेंस, है कि नहीं गाइस। पहला क्वेश्चन आता है गाइस कि व्हाट इज टेंस। तो गाइस आंसर में क्या आएगा कि टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस क्या है गाइस, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। ठीक है गाइस, टेंस एक ग्रामर का हिस्सा है। ठीक है गाइस, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्लास है गाइस। तो पहले जान लीजिए टेंस किसे कहते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। तो गाइस आपको सब कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, ये भी गाइस एक क्वेश्चन है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस गाइस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। कितने काइंड्स होते हैं गाइस, थ्री। तो वो कौन कौन से, पहले जो होता है गाइस प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। गाइस इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। क्या होता है गाइस, वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसका हिंदी होता है भूतकाल। गाइस मैं टेंस बेसिक से ले रहा हूं गाइस, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, आपका ही फायदा है अगर सब्सक्राइब करते हैं गाइस। गाइस प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यकाल। चलिए गाइस इसका मतलब समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है। हिंदी तो जान लिया वर्तमान काल, बस गाइस प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो अभी हो रहा है। जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं गाइस, ये है प्रेजेंट टेंस, यानी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसे कहते हैं वर्तमान काल। हिंदी में वर्तमान काल, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में पास्ट टेंस और हिंदी में भूतकाल, यानी जो बीत गया गाइस, जो बीत गया, जो पास्ट में हो गया, जो पहले हो गया। ठीक है, उसे कहते हैं पास्ट टेंस। एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल, जो भविष्य में होगा। हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल, भविष्यकाल, और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो गाइस यही था बेसिक क्लास। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कितने काइंड्स होते हैं, पास्ट टेंस में कितने काइंड्स होते हैं। तभी तो गाइस हम लोग स्ट्रक्चर्स देखेंगे और स्ट्रक्चर्स के साथ उससे हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे और फ्यूचर टेंस में कितने काइंड्स होते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने लिख दिया थ्री, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। गाइस प्रेजेंट टेंस के फोर काइंड्स, पास्ट टेंस के फोर काइंड्स एंड फ्यूचर टेंस के फोर काइंड्स। प्रेजेंट टेंस गाइस फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको गाइस दूसरा नाम भी होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं गाइस। और सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब का गाइस मैं स्ट्रक्चर्स भी लिखवाऊंगा और एग्जांपल्स बनाना सिखाऊंगा गाइस, ट्रांसलेशंस बनाना सिखाऊंगा। पास्ट टेंस का भी गाइस वैसे ही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी गाइस हम लोग बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं गाइस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी लिखवाऊंगा गाइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस ये सब का स्ट्रक्चर सभी लिखवाना बाकी है, तो मैं लिखवाऊंगा गाइस अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। गाइस इससे आप ये वीडियो आप आ जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो गाइस बाय।